दिल्ली और एनसीआर के 60 से ज्यादा स्कूलों को धमकी वाला ईमेल मिला है और इस ईमेल के मामले की जांच अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया उसका सर्वर विदेश में है। शक यह भी है कि ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस तरीके के ईमेल के लिए अगर यह शरारत के तौर पर भेजा गया है, किसी साजिश के तौर पर भेजा गया है, तो इसके अंदर फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आईपी एड्रेस की मास्किंग भी होती है। तो तमाम इसके तकनीकी पहलुओं की भी जांच हो रही है। लेकिन इस भगदड़ के बीच में दिल्ली के कई स्कूलों के अंदर फिलहाल छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अभी तक की जांच में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, यानी किसी भी स्कूल के अंदर सुरक्षा का ऐसा कोई संकट नहीं है। हालांकि एहतियात बरतते हुए दिल्ली एनसीआर के करीब 60 से ज्यादा स्कूलों के अंदर जो धमकी भरा ईमेल आया था उसके बाद स्कूलों के अंदर छुट्टी कर दी गई है। माता पिता को सूचित किया गया है, साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो भी तैनात की गई हैं। जो दिल्ली फायर सर्विस है उसके पास 60 से ज्यादा स्कूलों के अंदर इस तरीके के ईमेल हासिल होने की रिपोर्ट मिली थी, उसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस भी इसके अंदर एक्शन के अंदर है। Z News.